अलहमदल अल्लाह ताला क्या हर हाल में शुक्र है जिसने हमें किसी भी हाल में रखा उसकी मेहरबानी उसका करम सबसे पहले शेयरिंग करेंगे जल्दी जल्दी से मुझे बताइएगा कि कल की नशे से आपने क्या क्या सीखा और उसके बाद अगर किसी का कोई सवाल है तो वो भी हम अभी इंशाल्लाह ले लेंगे भी कुछ या बताइए वालेकुम

Uh, सारे कबीला मुसलमान हो गया जैसे हमने पढ़ा इधर उम्र के लिए जब आप वसल्लम तशरीफ़ ले गए और जो आप अलैहि वसल्लम को रोका गया और किस तरह आप वाले ने वहाँ पे मसलहत का मुजाहरा किया इसमें मैंने जब पढ़ रही थी तो मैंने एक बात देखी कि यहाँ पर जो है वो आ, इस दौरान जो है वो हज़रत उमर जो थे

ज़रा बुलंद हवा से आप् से पूरा मकालमा किया कि हम हक हाँ पर हैं तो हम क्यों इस तरह कफार की हर बात नीचे लगे जबकि यहाँ पर इस माहे में बराबरी नहीं है ठीक है तो उस वक़्त आप वसल्लम जरा मुस्कुराए और उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम यकीन हक हाँ पर हैं और ये अल्लाह का ही फैसला है और फिर आप अब बकर के पास तशरीफ़ है वहाँ पे भी आपने ऐसे क्योंकि वह जवान थे और उनमें गुस्सा भी बहुत था उसको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर जवाब दिया उनको लेकिन बाद में सारी उम्र उन्हें इस बात की बहुत हुआ कि मैंने इस तरह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्से से बात की और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कफारा भी अदा किया तो इस सामने ये सीखा कि बज दफा जो होता है मसलियत के तहत है बेशक हक पर होते हुए भी हमें जो है वो थोड़ा सा नीचे लगना पड़ता है लेकिन ये भी अल्लाह ताला का ही हुक्म होता है बातें माँ बाप की हमतिया बड़ों की हिकमत अमली हमें उस वक्त समझ नहीं आती लेकिन बाद में हम कहते हैं उन्होंने तो बहुत अच्छी बात की थी कि उस वक्त वो नहीं बोली थी क्योंकि ये भी एक बात है जो तो आप जो ले ले जो हैं, वो तो हमारे रोल मॉडल है और उनके पास तो बेहतरीन हिकमत थी और वो बेहतरीन हिकमत से ही फैसला करते थे बहुत खूबसूरत बात आपने शेयर की जजाक जी सुमरा बेटा वालक Uh, मैंने uh, जो सुलह देविया का जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सुलह देविया का पढ़ा उसमें तो एक तो ये uh, हजूर सल्लम का हमें पता चला कि एक सबसे उनका बेस्ट जो चीज थी वो ये पहले वो सहा से मशा करते थे तो हर बात पे फिर उसके बाद जो है वो अम्म uh, एक जो है वो एक अपना एक पूरा प्लान लेकर आते थे फिर दूसरा ये कि uh, हम लोगों को जो है वो वो वही बात जो अभी कुछ बाज़ात हमें नीचे होना पड़ता है आगे दूरंदेशी अगर इंसान में हो ना तो वो ये चीज देखता होता है कि नहीं भाई आगे जाकर कुछ अच्छा होगा और ये भी कि बाजात ऐसा होता है कि हमारे बहुत बर्स्ट हालात जा रहे होते हैं लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये अल्लाह ने क्या किया और तो बस सफार हम लोग जो हैं है इंसान है गलतियों का पुतला है तो बाजात हम लोग एकदम हो जाते हैं कि नहीं ये तो ये तो गलत हो रहा है ये तो अल्लाह ताला ने पता है हम लोग गले शिकवों पे आ जाते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि वो सत्तर माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है अल्लाह ताला ने कुछ हमारे लिए बेहतरीन ही सोचा होगा जो अभी हमें इस हालात से गुजारा उनके बाद अवत ऐसा होता है कि हमला ऐसा बहुत ही कुछ शदीद कुछ बुरा होता है लेकिन बा, उत, आ, महीने बाद या डेढ़ दो महीने बाद इतना कुछ अच्छा हो जाता है कि इंसान कहता है कि वाह यार मेरे लिए उस टाइम तो ये चीज़ इतनी बुरी थी लेकिन अब तो इसके जो रिजल्ट आ रहा है वो तो बड़ा अच्छा आ रहा है दूसरा ये कि औरतों का इसमें काफ़ी अच्छा एक वो दिखाया है कि जिस तरह हजरत અને જો જ્યારે હઝુર સલલમ કાફી ગમઝદા હો ગયે થે કે ઈવન ઉનકે અપને સાહાબા کرام ભી જો હે વો ઉનસે નારાજ હો ગયે થે ઉનસે નાલા હો ગયે થે ક્યોકી ઉનહોને સુલાહ હદીબિયા કી હૈ જિસમે ઉનકો ظاہરી યે لگ રહા થા કે શાયદ ઉનહોને જો હે વો કુરેશ કુરેશ મક્કા કે જો હે વો જ્યાદાતર બાતે ઉનકી માન લિયે તો તબ ઉનહોને ઉનકા કેસે ઉનકા हौसला बंधाया इससे हम ये पता चलता है कि हम एज़ अ વાઇફ એઝ અ ઓરત એઝ અ બેટી कि हमारा हम भी जो कहते हैं वैसे कहते हैं कि औरत जो है वो नाकिस अकल से है लेकिन अगर देखा जाए तो औरत का माशाल्लाह काफी ज्यादा जो है वो इस्लाम में एक रोल है माशा पॉजिटिव मैसेज आपने दिया है और इतनी पॉजिटिविटी आपके बातों में अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों आसानियाँ करे और ये पॉजिटिव आपकी बरकरार रखे और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सोचती देती रहे जी अलमा साहब आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं जी कल का जो एक में मसलन एक दुश्मन के साथ है। सुला करने जा रहे हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है हम अपने में घरों में कोई बहुत अल्लाह की वो तो बहुत बड़े बड़े मसले थे इस्लाम और कुफर तो का मसला था और हम छोट छोटे छोटे मसलों में भी ना इतना बड़ा दर्द नहीं करते कि हम किसी सुलह कर लें। सही तो एक दूसरी बात ये कि जैसे आजकल ये हमारा माशरा जैसे एक मॉडर्न मॉडर्निज्म की तरफ चल पड़ा है तो घर में बेटे होते हैं जैसे बेटों की बात करेंगे ना हजरत सुहेल बिन अमर और उन्होंने अपने बेटे के जंगल पे अबू जंदल किस तरह एक ईमान लाने की वजह से जुल्म किया और बार बार मार तो आज हम अगर ऐसा है कि इसके बारस अगर बच्चा किसी गलत समझ में है और बाप उस पर सख्ती कर रहा है तो सबसे पहले हम आए आके आ जाती है तो उसे क्या होता है कि बाप बिगड़ता है और वो दोनों एक तो उन दोनों का आपस में वो हो जाता है कि मेरा मैं, बाप ठीक नहीं है मुझ पर ये और वो अमूमन देखा है कि ऐसे बहुत से हमारे हैं कि जो माओ की वजह से बच्चे जो है वो कहते हैं वो सफर कर, कर रहे हैं आज तो ये बात है कि हमें ईमान और की बात जहाँ आ जाती है तो चाहे बेटा बाप को समझा रहा है या ये यहाँ पे जो हमारे सामने मिसाल है या बाप अगर सख्ती कर रहा है तो इसमें हमें भी हौसला और सबर से काम लेना है और ईमानी और इतना आजकल का बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे जो है वो हमारे लाड प्यार की वजह से बिगड़ रहे हैं असल में हमारा लाड प्यार हमारे बच्चों को माजूर बना रहा है ये जुमला मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने कहा ये कैसा जुमला है की बच्चों को माजूर बना रहा है हम बच्चे के मुंह में नवाले डाल रहे हैं हम ला उनको इतना पैम्पर कर रहे हैं आते हैं स्कूल से थके हुए स्क्रीन ऑन कर देते हैं खाना छाना देते हैं बिल्कुल टफ नहीं बना रहे लेकिन वो दुनिया की सख्ती पर कैसे बर्दाश्त करेंगे दूसरी बात है अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए लेकिन अपने आप को इतना उसका कंफर्टेबल माहौल का आदि नहीं करना चाहिए वरना आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते आप इतने ढीले हो जाएंगे आप इतने सुस्त हो जाएंगे आप इतने बेकार हो जाएंगे कि किसी चीज का कोई फायदा नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत पॉइंट्स आप लोगों ने शेयर किए अल्लाह ताला आपके इल्म में faham में और बरकत डाले और हम इसी तरह सीरत के खूबसूरत खूबसूरत मोती चुनते रहें आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज करेंगे नहमदुहू व नसल्ली अला करीम अमा बाद फऔजू बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी श्रह ली صدری ويسر لي أمري وحلل الأقدة من لساني يفكه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے إرشاد فرمايا میں تمه نفلي روزة نماز और सदके से अफजल चीज ना बताऊं अल्लाह अकबर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जरा गौर से सुनने वाली बात है हम लोग चाहते हैं कि रोजे रखें रख नहीं सकते कभी हिम्मत इजाजत नहीं देती कभी सिचुएशन इजाज़त नहीं देती हम चाहते हैं कि नमाज पढ़े नवाफिल पढ़े सदके दे लेकिन बहुत सी दफा नहीं कर सकते कभी हालात की वजह से कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से तो रसूल सलम ने इशाद फरमाया क्या मैं तुम्हें नफली रोजा नमाज और सदकर से अफजल चीज ना बताऊ साहबा का राम ने अर्ज किया क्यों नहीं जरूर इर्शाद फरमाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुस ने इर्शाद फरमाया दो आदमियों के दरमियान सुला सफाई करवाना इसलिए कि दो आदमियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा दीन को मूड देने वाला यानि खत्म कर देने वाला अमल है अल्लाहब आज हम लोगों ने दीन को बहुत ही रिजिट कर दिया है बहुत ही प्रिसाइज कर दिया बहुत ही समझ लिया है कि मुझे बस अपनी नमाजें ठीक करनी है अपने रोजे रखने हैं अपने आमाल करने हैं लेकिन इर्द गिर्द जो भी होता रहे हमने आंखें बंद कर लेनी है हमें किसी के मैटर्स में नहीं पढ़ना हमें इंटरफेयर नहीं करना हमें बुरा नहीं बनना और आप सल्ला वसलम ने कितनी खूबसूरत बात बता दी कि अगर तुम नफली रोजा नहीं रख सकते नमाज नहीं पढ़ सकते सदका नहीं दे सकते तो इन सब चीजों से अफजल चीज क्या है कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाई जाए दोनों जब लड़ रहे हों तो सुलह कराने का तरीका क्या है कि जाके आप उनके मसले पूछना शुरू करें नहीं सुलह का तरीका सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि सबसे पहले एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाए एक पॉजिटिव पॉइंट जो दोनों के नजदीक पॉजिटिव हो और सबसे पहले पॉजिटिव चीजें गिनवाई जाए कि फलाने बंदे में पॉजिटिव बात क्या है दूसरे बंदे से पूछा जाए फलाने बंदे में पॉजिटिव बात क्या है वो नहीं बताएगा वो कहेगा कोई, कोई अच्छाई नहीं है बुराई बुराई है उसमें ये भी बुरा ये भी बुरा है आप उसे कहें जरा दो मिनट सकून से सिर्फ आप मेरी खातिर सिर्फ ये बता दें कोई एक अच्छाई कोई एक अच्छाई होगी उसके अंदर तो जब वो गिनवाना शुरू करे तो ऑटोमेटिकली शैतान का काम मुश्किल हो जाएगा नफ्स का काम मुश्किल हो जाएगा जब अच्छा याद आएंगी ना तो ये भी याद आएगा कि किसी एक वक्त में उस इंसान ने मेरे साथ भलाई भी की थी और ऑटोमैटिकली दिल थोड़ा सा नरम हो जाएगा। उसके बाद मसले तक पहुंचा जाए और उसका हल तलाश किया जाए मसला यहाँ पे तब ज्यादा हो जाता है जब हम सुला कराने के लिए जाते हैं लेकिन हम जल्दी पे तेल का काम करते हैं अच्छा जी आप बताए क्या हुआ था वो अगले बंदे ने एक पूरी कहानी बताई जिसमें से आधी सच्ची बात आती छूटी दूसरे फरीक के पास जाएंगे अच्छा जी क्या हुआ उसने भी एक लंबी चौड़ी कहानी बताई पहले तो दस बुराइयां गिनवा दी और उसके बाद कोई बात की लेकिन ये तरीका नहीं है हर चीज की सलाह सफाई कराने का तरीका है सबसे पहले जब सुलह के लिए जाते हैं उन्हें कहें हम आपके खैर ख्वाह हैं हम खैर के लिए आए हैं हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं और अपनी नीयत भी दुरुस्त करें कि इसके अलावा कोई मकसद होना नहीं चाहिए उसके बाद अच्छी बातें पहले करें कि देखे हाँ ये बात है लेकिन उस वक्त ना उनमें थोड़ी सी ये क्वालिटी है वो रहम दिल है वो ख्याल कर देते हैं जबान की थोड़ी सी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है ऐसी बातें क्या करती है कि थोड़ा सा आग पे पानी का, का काम करेंगी कॉमन ग्राउंड रूलें ऐसी चीज जो दोनों जिसमें मुतफिक हों उसके बाद मसला बयान करें दोनों फ्री कैन की बात सुने और कोशिश करें हल हो जाए ये वाली बात ये वाला तरीका बहुत जरूरी है मियाँ बीवी के दरम्यान दी कहते हैं ना जो जितने करीब रहते हैं उनमें मसले बहुत ज्यादा होते हैं जब भी मेरे पास एक खातून आई और उनका फोन बजा आंटी थी एक तो उनके स्क्रीन पे शेयर हुआ बेस्ट हस्बैंड मैं बड़ी मुतासर हुई मैंने कहा इनके हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे इन्होंने बेस्ट हस्बैंड सेव किया हुआ है जैसे उन्होंने फोन उठाया तो एक गरजती हुई आवाज आई इतनी देर हो गई है अभी तक ये नहीं आई और लिटरली वो अंकल इतना शाउट कर रहे थे कि फोन से बाहर तक उनकी आवाज आ रही थी मैं जरा डर गई मैंने खैर आंटी से पूछा मैंने कहा आंटी एक पर्सनल बात है अगर इजाजत दे तब पूछू उन्होंने कहा जरूर मैंने कहा आंटी आपके अभी फोन आया था आपके हस्बैंड का तो स्क्रीन पे आया बेस्ट हस्बैंड लेकिन अंकल तो थोड़े गुस्से के तेज लग रहे हैं वो आंटी मुस्कुराई कहती है हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी और मैं भी बहुत परेशान रहती थी कुर्ती थी और मेरे मुझे दिल को तकलीफ होती थी क्योंकि औरतें जरा नरम दिल होती हैं और मियाँ की बातों वैसे ही दिल पे लग जाती है फिर मैंने उसका हल ढूंढा मैंने अपनी इसका नाम उनका कांटेक्ट जो है अपना सेव कर लिया बेस्ट हस्बैंड के नाम से तो अब जब भी वो मुझे फोन करते हैं चाहे वो मुझे कुछ कह भी दे मेरा दिल दुखा भी दे तो जब मैं बेस्ट हस्बैंड देखती हूँ तो मुझे उनकी अपने साथ की हुई अच्छाई याद आ जाती हमारे लिए बहुत जरूरी है लड़ाई कब खत्म हो सकती है जब हम सबकी अच्छाइयां याद रखें मसला ये है कि जरा सी कोई बात नहीं होती हमें बुराइयां ज्यादा याद आने शुरू हो जाती हैं हमने सुलह सफाई करने वाला बनना है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों की अच्छाइयां याद रखें हमने देखा कैसे हुदेबिया हुई आप वाले वाले वापस मदीना लौट गए जब मदीना लौट गए तो आप सल असलम ने अपना काम खत्म नहीं कर दिया बल्कि अब आप सलम ने बादशाहों और उमरा के नाम खतूत लिखना शुरू कर दिए उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि जब किसी भी गरोह का मेन बंदा अमीर बंदा हुक्मरान बंदा दीन पे आ जाता है या किसी बात पे आ जाता है तो जो दूसरे लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं हमारे लिए अमल का एक बहुत बड़ा नुकता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम दीन को स्प्रेड करें तो अपनी अपनी फील्ड में आप जो भी काम कर रहे हैं आप डॉक्टर हैं आप हाउस है, वाइफ आप किसी भी फील्ड में हैं उस फील्ड के बड़े लोगों को उम्र को कैप्चर करिए उनको दीन की दावत दीजिए उनको बात समझाइए क्योंकि जब मेन लोग इस्लाम ले आते हैं तो बाकी रियाया पे बहुत असर पड़ता है आज हम देखेंगे कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों और उम्र के नाम खतूत लिखे जब रसूल सलम को रे से मुहिदा करके और इनकी तरफ से मुतमइन होकर हुदेबिया से वापस तरीफ लाए तो बादशाहों और उम्र के नाम खतूत लिखकर उन्हें इस्लाम की दावत दी और इन की दोहरी जिम्मेदारी याद दिलाई दोहरी जिम्मेदारी कैसे कोई भी इंसान जो किसी भी जगह का मैंने लीडर होता है आप हाउस वाइफ है आप अपने घर की एग्जाम्पल ले लें आप अपने घर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके घर में जो भी होता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपके सामने हो रहा आपको पता ना हो और जैसी मोस्टली देखा गया कि जैसी घर की खातून होती है वैसे ही घर का माहौल होता है इसी तरह आपकी वर्किंग प्लेस में जो आपके मैनेजर हैं या जो आपके बॉस हैं जैसे वो होंगे नीचे वाले लोग ज्यादातर उसी रविश पे चल रहे होंगे तो एक हुक्मरान या एक लीडर या किसी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या उस वक्त के बादशाह अगर वो मुसलमान हो जाए तो उसकी रियाया भी मुसलमान होगी इस तरह जब वो मुसलमान होगा उसका अपना अजय भी मिलेगा और रियाया का भी अजय मिलेगा इसके बरक्स अगर बादशाह और हुकमरान गलत रविश पे है और गलत काम कर रहा है और उसकी देखा देखी रियाया भी गलत काम कर रही है तो उसको दोहरा आजाब होगा हर इंसान जो प्रोमिनेंट सीट पे है प्रोमिनेंट पिक्चर में है उसको अपना बहुत सख्त मुहासबा करना चाहिए हर वक्त तजकिया करता रहना चाहिए क्योंकि तो अगर मैं एक गलत स्टेप लूंगी और मेरे पीछे किसी ने वो गलत स्टेप लिया तो मैं अजाब की मुस्तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था कि इस्लाम फैले इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे रहे वो दुनिया में लोगों से नहीं डरते थे कि कोई अमीर है या कोई बादशाह है या कोई क्या करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अल्लाह से डरते थे नजाशी शाह हबशा के नाम ख़त नजाशी बेसिकली एक टाइटल है जैसे मिस्र में जब हुकूमत होती थी तो मिस्र में उस वक्त का जो बादशाह होता था होता था उसको फिर कहते थे इसी तरह हबशा में जो भी बादशाह होता था उसका टाइटल होता था नजाशी इसका नाम असहामा बिन अबजर था रसुल्लाम ने इसके नाम हस्बे जेल खत लिखा ख़त लिखने का तरीका देखिएगा आज तो हमारे ख़त लिखने के पैटर्न्स ही बदल गए तमाम खतूत में आप एक कॉमन बात पाएंगे कि सबसे पहले अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम से आगाज़ किया उसके बाद आप अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ कराया कि ख़त लिखने वाला कौन है और उसके बाद जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है उसको इंतहाई अदब से मुखातिब किया गया आप वसल्लम ने खत में सबसे पहले अल्लाह का नाम लिखा फिर आप अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ़ कराया और फिर जिसको खत लिखा जा रहा है निजाशी उसका नाम लिखा ये खत है मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से निजाशी असहमा शाह हबशा की जानब इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे पॉइंट नंबर वन इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे अल्फाज का चुनाव देखिएगा कितना खूबसूरत है बड़े तरीके से बड़ी नपी तुली टू लेकिन बहुत इखलाक वाले तरीके से इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए पॉइंट नंबर वन क्या है जो हिदायत की पैरवी करे पॉइंट नंबर टू क्या है अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और पॉइंट नंबर थ्री क्या है और इस बात की शहादत दे कि अल्लाह वादह ला शरीक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं किस पे सलाम कर रहे नंबर वन जो हिदायत की पैरवी दे यानी जो हक का साथ दे नंबर टू जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए नंबर थ्री जो शहादत दे कि अल्लाह वादह ला शरीक है अल्लाह वाहिद है इसने किसी को अपनी बीवी बनाया ना लड़का और इस बात की शहादत दे कि मोहम्मद इसका बंदा और रसूल है और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं इसका रसूल हूँ लिहाजा इस्लाम लाओ सलामत रहोगे ए किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है नजाशी जो थे वो रिलीजन जो फॉलो करते थे बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे ईसाई थे वो हजरत मरियम को बहुत इज्जत देते थे और ये समझते थे कि हजरत ईसा के बेटे हैं अब आप वाले ने पहले बताया कि हिदायत किसको मिलेगी फिर आप अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत बात की अहले किताब और आप ये देखिएगा कि जब आप किताब से, से मुखातब हो रहे हैं तो उनका अंदाज डिफरेंट है और जब कुफार किसी काफिर कौम के सरबराज से बादशाह से मुखातब हो रहे हैं तो अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है एहली किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरम्यान बराबर है वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करेंगे जो अहले किताब थे वो भी मानते थे कि अल्लाह एक है और क्या कह रहे हैं कॉमन ग्राउंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ढूंढा वो इस सेंटेंस में है ए अहले किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरम्यान बराबर है सबसे पहले किसी को बताना होता है ना कि मैं आपका खैर खा हूँ वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करेंगे इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे और हम में से बास बास को अल्लाह के सिवा रब ना बनाएंगे बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं अगर तुमने ये दावत कबूल ना की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह भी है अल्लाह अकबर उसको अपने फराइज याद दिला रहा है बादशाह को क्या याद दिला रहा है कि अगर तुमने ये बात ना मानी तो तुम्हारी कौम का गुना भी तुम्हारे सर है ये खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन जमरी के हाथ रवाना किया उजाशी ने जब इसे वसूल किया तो अपनी आंखों पर रखा नजाशी बहुत रहमदिल बादशाह था और उसकी तमीज और तहजीब इस बात से पता चल रही है कि जब उसे खत मिला उसने अपनी आंखों पर रखा तख्त से नीचे उतर आया और जाफिर बिन तालिप रजी अन्हों के हाथ पर कबूल कर लिया और नबी सलम को अपने इस्लाम और बैद के मुतल खत लिखा और उमल मोमिन उमे हबीबा बिनते अबू सुफयान ये कौन थी अबू सुफयान की बेटी हमने बहुत दफा पढ़ा है पीछे गजबात में कि अबू जो थे वो बहुत लेट इस्लाम को बोले कर आए थे लेकिन अल्लाह जी से चुन ले उनकी बेटी उमे हबीबा रजी ला ताला अन्हो, वो इस्लाम ला चुकी थी उनकी शादी नबी से कर दी इससे हमें लीड मिलती है गायबाना निका हो सकता है अगर दो लोग प्रेजेंट नहीं है और उनका निकाह पढ़ाया जाए तो निका हो सकता है उमे उमुल मोमिनीन उमे हबीबा बिते अब सुफियान रजिया की शादी नबी सल्हस से कर दी और उन्हें अपनी तरफ से चार सौ दिनार मेहर दिया फिर इन्हें और महाजरीन ने हबशा को अमर बिन उमैरी रजी त के साथ दो कश्तियों में रवाना कर दिया और वो उन्हें लेकर इस वक्त पहुंचे जब नबी सल वसलम खैबर में थे अकीदत के तौर पे मोहब्बत के तौर पे उन्होंने क्या किया कि उमुल मोमिनीन उमे हबीबा रजी का निका किससे किया आप सल वम से और ये इस बात की दलील है कि गायबाना निका हो सकता है दूसरी दलील कि अगर जिससे निकाह हो रहा है वो हक मेहर ना अदा कर सके ता हो तो उसकी जगह कोई और हक मेहर अदा कर सकता है नजाशी ने रजब नो हिजरी में वफ़ात पाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वफात ही के दिन सहाबा कर रजी अनहो की इस सहाबा कराम रजी अनहो को इसकी मौत की इतला दी और इसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी इसकी वफात के बाद दूसरा बादशाह इसका जानश हुआ तो आप सलम ने इसके नाम भी एक खत रवाना फरमाया और इसे इस्लाम की दावत दी लेकिन यह मालूम ना हो सका कि इसने इस्लाम कबूल किया या नहीं यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है इसका जवाब यह है कि कोई शख्स अगर दयारे गैर में है और अगर ये सिचुएशन है कि वो काफिरों के सराउंडेड है और इस बात का यकीन नहीं है कि मुसलमानों ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा होगा तब तो गायबाना नमाज जनाजा जरूर पढ़ाया जाए लेकिन अगर किसी भी जगह प्रॉपर नमाज जनाजा हो चुका है तो बार बार नमाज जनाजा नहीं करना चाहिए मकौकस चाहे इस और मिस्र के नाम खत अब पहले हमने पढ़ा था कि हबशा के जो बादशाह थे उनका टाइटल क्या था नजाशी इसी तरह मिसर के जो बादशाह थे उनका लगभग क्या था मकौकस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम जो ख़त लिखा वो ये है फिर वही आप पैटर्न देखेंगे सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू फिर आप अलैहि वसल्लम का तारुफ फिर जिसकी तरफ लिखा जा रहा है उसको बताया गया है और फिर खत लिखने का मकसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल मोहम्मद की तरफ से मकौकस सरबराह की जानब इस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे अम्मा मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ इस्लाम लाओ सलामत रहोगे इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हारे तुम्हें दोहरा अजर देगा लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर अहल किब्त का भी गुनाह होगा और एहले किताब ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराएंगे और हम में से बाज बाज को अल्लाह के सिवा ना बनाए बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं सेम वही पैटर्न है ऑलमोस्ट जो आपने पीछे देखा जो नजराशी के खत में हमें मिलता है और वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है और आगे भी खतूत में हम देखेंगे सेम पैटर्न है अः uh, आप सल्लाम की गुफ्तु दो टोक थी कोई बहुत लंबी लंबी बातें नहीं की के और सुनाए क्या हाल है आपका कैसे मिजाज है कैसा जा रहा है आपका दौर बिल्कुल भी नहीं टू द पॉइंट बात मैं तुम्हारे लिए इस्लाम की दावा देता हूँ पहले आते ही अपना मकसद बयान कर दिया इस्लाम लाओगे तो सलामत लहोगे इस्लाम लाओगे अल्लाह तुम्हें दोरा जर देगा लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर अहले किब्द का भी गुना होगा और ए अहले किताब कितने खूबसूरत तरीके से कि हम अहले किताब है मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं कि हम तुम्हारी किताब एक ही है ऐसी बात की तरफ आओ जो तुम्हारे हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराएंगे और हम में से बाज बाज को अल्लाह के सिवा रब ना मानेंगे बस अगर वो मुंह मोड़ेंगे तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं ये खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबू बलता रजी अल्लाह तआला के हाथ भेजा उन्होंने मकौकस से गुफगु की और इसे खत पहुंचाया मकोकस ने इनकी इज्जत अफजाई की और खत हाथी दांत के एक डब्बे में रख कर इस पर मोहर लगाई और महफूज कर लिया और नबी अलैहि वसल्लम को जवाब लिखा कि इसमें इकरार किया कि एक नबी बाकी रह गया है और मैं समझता था कि वो मुल्क शाम में जाहिर होगा लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ तोहफे में मारिया और सीरीन नामी दो लूडिया भेजी जिनका किफ्त में बड़ा मकाम था कुछ कपड़े और एक खच्चर भी हदिया किया जिसका नाम दुलदुल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने लिए और तो को अपनी सवारी के लिए मुंतब फरमाया और सीरी को हजरत हिसान बिन साबित रजी ताला के लिए हिब्बा कर दिया क्यों नहीं ईमान लाए जब से हम सीरत पढ़े हैं हमने देखा है कि हमेशा से एक मसला रहा है वो था खानदान का सब लोगों को प्रॉब्लम थी सब लोग कहते थे कि आप अलैहि वसल्लम जो हैं उन्हें लगता था कि वो मुल्क शाम से जाहिर होंगे लेकिन वो कहाँ से जाहिर होंगे मक्का से ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही थी लेकिन उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं की उसने उस खत को एक जगह रख दिया और तोहफे दिए आप सल्ह वसलम का अमल देखिए आप सल्हम ने उनके तोहफे कबूल कर लिए खुसरो परवेज चाहे फारिस के नाम खत आप वसलम ने इसके नाम ये खत लिखा बिस्मिल्लाहमान रहीम मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ से फिस्रा, फिस्रा। फिस्रा क्या था लकब वालिये फारिस की जानब इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे के अल्लाह के सिवा कोई लाइक इबादत नहीं वो तन्हा है इसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानब इस काफिर सतादा हूँ ताकि जो शख्स जिंदा है इसे अंजाम बद से डराया जाए और काफिरों पर हक बात साबित हो जाए हुज्जत तमाम हो जाए बस तुम इस्लाम लाओ सालिम रहोगे और अगर इसने इनकार किया तो तुम पर मजूस का बारे गुना होगा अल्लाह अकबर हम सब चाहते हैं कि हम ऊंची ऊंची मसंदों पर बैठ जाएं ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाएं हमें बहुत ज्यादा ऊंचे ओहदे मिल जाएं लेकिन हम ये तो एक दफा भी नहीं सोचते कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी बड़ी पूछ भी होगी और जो अमल हम करेंगे वही अगर हमारे पीछे फॉलोअर्स या हमारे इर्द के लोग करेंगे अगर अच्छा अमल होगा तो हम सवाब भी कमाएंगे और अगर बुरा अमल होगा तो तमाम का गुनाह हमारे सर पे जाएगा ये खत आपने अब्दुल्ला बिन हुजाफा रजील तला अनहो के जरियो से भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि उसे वालिये बहरैन के हवाले कर दें सरबराहे बहरैन उसे के हवाले करेगा जब ये खत के सामने पढ़ा गया तो इसने इसे चाक कर दिया अस्तगफिरुल्लाह और कहा मेरी रियाया में से एक हकीर गुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है ये है तकब्बुर इसने किबर किया वो हमेशा रुसवा ही हुआ जैसे ही उसने खत अब अब दो ऑपोजिट बादशाहों के रद्द अमल देखें हमने इससे पहले देखा शाह और मिसर जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन उन्होंने तजलील भी नहीं जो खत था उसको एक अच्छे सी जगह रख दिया और तोह भेजे अब जो खत लिखा जा रहा है खुसरो परवेज शाह फारिस के नाम इसका दर्ज अमल क्या है इतना इसके अंदर तकबर था इसने कहा यह कैसे हो सकता है कि नाउजुब्बिल्ला एक हकीर गुलाम अपना नाम उससे पहले लिख दे और उसने खत को चा कर दिया रसुल्लाई तो फरमाया वाले ने फरमाया था चुनाचे इसके लश्कर ने रूमियों से बदतरीन शिकस्त खाई फिर खुसरो के बेटे शर्विया ने इसके खिलाफ बगावत की और इसे कतल करके बादशाहत पर कब्जा कर लिया फिर वहां इफ्तराक और इंतजार का तवील सिलसिला फैल गया अमर बिन खिताब के जमाने में इस्लामी लश्कर ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया और ये बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई तकबर इंसान को निस्तो नाबूद कर देता है कैसर शाह रूम के नाम खत रूम के बादशाह का लकब क्या था कैसर इसके नाम नबी अलैहि ने खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के रसूल मोहम्मद की जानब से हर किल सरबराह रूम की तरफ इस शख्स पर सलाम हो तो जो हिदायत की पैरवी करे तुम इस्लाम लाओ सलामत रहोगे इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा और अगर तुमने तो रुगरदानी की तो तुम पर रियाया का भी गुनाह होगा अगर आपने पैटर्न अभी तक फॉलो कर लिया है तो आपने देखा होगा सबसे पहले बिसमिल्ल रही फिर आप वाले 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 का इंट्रोडक्शन फिर जिसको मुखातिब किया जा रहा है उसका नाम उसके बाद स्ट्रेट टू द पॉइंट के सलाम उस शख्स पे जो हिदायत की पैरवी करे अगर इस्लाम ले आओगे तो सलामत रहोगे और अगर नहीं लाओगे तो दोहरा अजाब तुम्हारा मुंतजर है और ए अहल किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजे इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करे और अल्लाह के सिवा हम एक दूसरे को रब ना माने बस अगर ये लोग रुक पेड़े तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो हम मुसलमान हैं आपने ये खत बिन खलीफा रजी के भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि ये बसरा के हवाले कर दे और वो इसे कैसर के पास पहुंचाएगा हिम से पैदल चढ़कर बैतुल मुकदस आया था और अल्लाह ने इससे अहल फारस पर फतेह और नुसरत अदा की थी जब यह खत मिला तो इसने अपने हरकाले दौड़ाए और कोई ऐसा आदमी लाए जो नबी सलम को पहचानता हो बेसिकली क्यों क्योंकि वो तस्दीक करना चाहता था कि आप सलम कैसे हैं? खुद तो उनसे मिले हुए नहीं थे उन्हें सरबराही में कुरेश का एक काफिला जरा गौर करिएगा कि कैसरे रोम जो था दिल उसका अल्लाह की तरफ इंकलाइंट था दिल उसका नरम था और वो हक को पहचानने वाला था जब उसको खत मिला उसने अपने लोगों को कहा कि जाके किसी को लेकर कोई ऐसा आदमी लाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता हो और आगे से मिला कौन अबू सुफियान और उसका एक काफिला अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे और इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे उन्होंने काफिले को हिरकल के पास हाजिर किया हिरकल ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया इस वक्त रूम के, लोग के, के, के करीब लोगों ने बता को अपने क़रीब किया और बकिया लोगों को इसके पीछे बिठाया और कहा मैं इससे इस शख्स नबी वसल्लम के बारे में पूछूंगा अगर ये झूठ बोले तो तुम इसे झुठला देना इस पर अबू सुफियान को शर्म आई कि झूठ बोले इसके बाद हिरकल और अबू सुफियान में ये गुफ्तगू हुई जरा हमत अमली देखिए फियान वो इस्लाम नहीं लाए थे उन्होंने कहा सबसे क्लोजली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को को कौन जानता है तो लोगों ने कहा अबू अबू थोड़ा सा आगे किया उसके गिरोह से गिरोह पीछे था और लोगों को कहा कि अगर ये झूठ बोले तो तुम अपना सर हिला देना अब अबू सुफियान के पास कोई चारा ना बचा इससे हमें पता चलता है कि बादशाह ऐसे ही नहीं था बादशाह बहुत इंटेलिजेंट था उसको सिचुएशन हैंडल करना आता था अबू सुफियान को पता था कि अगर मैंने झूठ बोला पीछे से मेरे लोग जो है वो सर हिला देंगे और मैं झूठा पड़ जाऊंगा इसीलिए वो झूठ भी नहीं बोल सकते थे इसके बाद हिरकल और अबू सुफियान में ये गुफ्तु हुई हिरकल तुम लोगों में इसका नसब कैसा है अबू सुफियान वो ऊंचे नसब वाला है हिरकल क्या ये बात इससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी अबू सुफियान नहीं कि क्या तुम्हारे से इससे पहले हिरकल क्या इसके बाप दादा में से कोई बादशाह गुजरा है अबू सुफियान नहीं हिरकल अच्छा तो बड़े लोगों ने इसकी पैरवी की है या कमजोरों ने अबू सुफियान कमजोरों ने हिरकल ये लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं अबू सुफियान बढ़ रहे हैं हिरकल क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स इस दीन के बरगुजा होकर मुर्दित भी होता है अबू सुफियान नहीं हिरकल जो बात इसने अब कही है क्या इससे पहले तुमने इसे कभी झूठ का इल्जाम भी दिया है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे थे अबू आपफियान नहीं हिरकल क्या वो बदअहदी भी करता है अबू सुफियान नहीं लेकिन यहां पे उसे मौका मिल गया ऐड करने का तो उसने क्या कहा और यहाँ अबू सुफियान को एक मशकूक बात कहने का मौका मिल गया चुनाचे इसने मजीद कहा कि वो बदहदी तो नहीं करता अलबत् हम लोग इस वक्त इसके साथ सुल की एक मुदत गुजार रहे हैं मालूम नहीं कि इसमें वो क्या करेगा हिरकल क्या तुम लोगों ने इससे जंग की है अबू सुफियान जी हाँ हिरकल तो तुम्हारी और इसकी जंग कैसी रही अबू सुफियान जंग हमारे और इसके दरम्यान डोल है वो हमें तकलीफ पहुंचा लेता है और हम भी इसे तकलीफ पहुंचा लेते हैं हिरकल वो तो हमें किन बातों का हुक्म देता है अबू सुफियान वो कहता है सिर्फ अल्लाह की इबादत करो इसके साथ किसी चीज को शरीक ना करो तुम्हारे बाप दादा जो कुछ कर कहते हैं इसे छोड़ दो व सच्चाई परहेजगारी पागद और सुला रहमी का हुक्म देता है अल्लाह अकबर ये है ना किरदार आप सल्लाम का और ये किरदार मकसूद है एक मुसलमान का कि दुश्मन पक्का दुश्मन आप सल वसलम की तारीफें कर रहा है क्या आप सल वसल्लम सच बोलते हैं नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ने का कहते हैं सच्चाई का कहते हैं परहेजगारी का कहते हैं पाक दामनी का कहते हैं और सुलह रहमी का हुक्म देते हैं अगर एक मुसलमान का किरदार मजबूत हो तो उसका दुश्मन भी उसको शिकस्त नहीं दे सकता इसके बाद हिरकल ने इस गुफ्तगु पर तबसरा करते हुए कहा तुमने बताया कि वो ऊंचे नस्ब वाला है तो दस्तूर यही है कि पैगंबर अपनी कौम के ऊंचे नस्ब से भेजे जाते हैं उसे पता था कि पैगंबर जो हैं हैं वो वो ऊंचे से से आते एग्री कर रहा इस बात से। और तुमने बताया कि इससे पहले तुम में से किसी ने ये बात नहीं कही तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा होता तो मैं कहता कि ये शख्स एक ऐसी बात की नकल कर रहा है जो इससे पहले कही जा चुकी है उन्होंने पूछा था कि तुम बताओ इससे पहले तुम लोगों में इससे किसी ने बात की उन्होंने कहा नहीं कहते ये बात पहले नहीं हुई इसका मतलब है उसने किसी की की नकल नहीं की उसके माइंड में पीछे से कोई आइडिया नहीं था और तुमने बताया कि इसके बाप दादा में कोई बादशाह नहीं गुजरा मैं कहता हूं कि इसके बाप दादा में अगर कोई बादशाह गुजरा होता तो ये शख्स अपने बाप दादा की बादशाह तलब कर रहा होता और तुमने बताया कि जो बात इसने कही है इससे पहले तुम लोगों ने इस पर कभी झूठ का इल्जाम नहीं लगाया तो मैंने ये जान लिया ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों से तो झूठ ना बोले और अल्लाह के मामले में झूठ बोले वो लोगों से तो झूठ ना बोले और अल्लाह के मामले में झूठ बोले जरा अपनी कॉपीज पे ये सेंटेंस लिख लीजिए वो लोगों से झूठ ना बोले और अल्लाह के मामले में झूठ बोले खुद से सवाल कीजिएगा अकेले बैठ के क्या मैंने अल्लाह के मामले में कभी लोगों से झूठ बोला है हम तो झूठी कस्में खा लेते हैं हम तो झूठे वादे कर लेते हैं हम तो अपने आप से बहुत सी बातें कर लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत उनका किरदार इस वक्त गवाही दे रही है कि वह सच्चे नबी थे आज हमारा किरदार क्या है ना हमारे अफवाल है ना अकवाल है ना हमारी जबान है ना हमारी सच्चाई है अल्लाह कबीर और तुमने ये भी बताया कि कमजोर लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं हकीकत यह है कि यही लोग पैगंबरों के पैरोकार होते हैं और तुमने बताया कि ये लोग ज्यादा हो रहे हैं ईमान का मामला ऐसा ही होता है यहाँ तक कि वो मुकम्मल हो जाए और तुमने बताया कि इनमें से कोई आदमी मुर्तिद नहीं होता यकीनन हकीकत यही है कि ईमान की बशाशत जब दिलों में घर कर जाती है तब ऐसा ही होता है और तुमने बताया कि वो बद अहदी नहीं करता यकीनन पैगंबर ऐसे ही होते हैं कि वो बद एहदी ना करते और तुमने बताया कि वो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का हुक्म देता है बुतपरस्ती से मना करता है नमाज सच्चाई परहेजगारी और पाक दामनी का हुक्म देता है गर्ज ये के जो कुछ तुमने बताया है अगर वो बरहक है तो ये शख्स बहुत जल्द मेरे इन दोनों कदमों की जगह का मालिक हो जाएगा मैं जानता था कि ये नबी आने वाला है लेकिन मेरा ये गुमान न था कि वो तुम में से होगा तमाम लोग लगता था कि आखिरी नबी शाम से आएगा लेकिन आप वसल्लम कहाँ से आए मक्का से ये बात उनके लिए बिलीवेबल नहीं थी और अगर मुझे यकीन होता मैं इसके पास पहुंचूंगा तो इससे मुलाकात की जहमत उठाता और अगर इसके पास होता तो इसके पांव धोता इसके बाद हिरकुल ने आपका खत मंगवाकर पढ़ा तो आवाजें बुलंद हो गईं और बहुत शोर मचा चुनाचे इसने अबू सुफयान इर के साथियों को बाहर निकलवा दिया बाहर आके अबू सुफयान ने अपने साथियों से कहा अबू कबशा के बेटे का मामला बहुत जोर पकड़ गया है इससे तो बनू असफ़र रूमियों का बादशाह डरता है अल्लाहू अकबर एक काफिर जो आपसे ने लावले वाले वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा है उसका दिल नरम पड़ गया लेकिन अबू सुफयान जो आपसे लावले वाले वसल्लम को हमेशा से देखते आ रहे थे उनके साथ रहते थे अभी भी उनका दिल नफाक पे अटका हुआ था इसके बाद अबू सुफयान को पुख्ता यकीन हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु सल का दीन غالب आ रहेगा यहां तक कि अल्लाह ने इसे इस्लाम की तौफीक दी अल्लाह अकबर इतनी गजवात में इस्लाम के दुश्मन बने रहे लेकिन अल्लाह की तफ्क से मुसलमान हो गए हरकिल ने बर यानी खत लाने वाले हजरत दहिया बिन खलफी खलीफा कल्बी रजीला तला को माल और पार्चा जात यानी तहिफ से नवाजा और फिर हम्स वापस चला गया वहा एक बड़े हॉल में उजमाए रूम को बारियाबी बख्शी और हॉल के दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने क्या किया कि जो खत लेकर आए थे हजरत दहिया बिन खलीफा कलबी रजीला तआला अनहु उनको माल दिया उनको तहायफ दिए और उनको भेज दिया और फिर खुद वापस आ गया एक समझे कि एक बड़े से हॉल में एक तकरीब की और वहां पे तमाम जो बड़े-बड़े लोग थे बड़े-बड़े सरदार थे तमाम अकाबिर को बुलाया फिर कहा ए जमाते रूम क्या तुम लोग फलाह और रुश्त चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारी बादशाहत बरकरार रहे तो इस नबी की पैरवी कर लो और इस पर वो लोग वैशी गधों की तरह बिदक कर दरवाजे की तरफ भागे मगर दरवाजों को बंद पाया कैसर ने इनकी ये नफरत देखी तो कहा इन्हें मेरे पास बल्टा लाओ फिर इनसे कहा मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारे दीन में तुम्हारी पुख्तगी आजमा रहा था जिसे मैंने आजमा लिया इस पर इन उज्मा ने इसे सजदा किया और इससे खुश हो गए दिल में इस्लाम ला चुका था जबान से करार नहीं किया था लोगों को बुलाया इस्लाम की दावत दी लोगों ने क्या किया रिएक्ट किया उसकी तरफ रिएक्शन थ्रो किया लोगों से डर गया और कहा कि मैं तो तुम्हें आजमा रहा था ये सुन के लोग खुश हो गए लेकिन खुद ईमान ना ला सके इस से जाहिर होता है कि कैसर ने नबी वसल्लम को और आपकी नबूवत को सच्चाई की पूरी तरह जान लिया था और पहचान लिया था लेकिन बादशाहत की मोहब्बत गालिब आ गई हम बहुत दफा जान लेते हैं पहचान लेते हैं कि सच क्या है हक क्या है लेकिन दुनिया की मोहब्बत या किसी शख्स की मोहब्बत गालिब आ जाती है चुनाचे अपना गुनाह भी उठाया और अपनी रियाया का बार भी जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने नामय मुबारक में तहरीर फरमाया था उधर दहिया बिन हल्फिया कल्बी रजियालिया कल भी रजिया मदीना वापस आते हुए हसमी से गुजरे तो बनू जजाम के लोगों ने इन पर डाका डालकर सब कुछ लूट लिया और इनके पास कुछ भी ना छोड़ा चुनाचे उन्होंने मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेविस्सल्लम वाले को इसकी खबर दी आपने हजरत जैद बिन हारिस्ता रजीला ताला अन्हो की सरकर्दगी में 500 सहाबा कराम का दस्ता रवाना किया उन्होंने उन्होंने शंजून मारकर यानी रात को हमला करके लोगों को कत्ल किया और गनीमत में एक हजार ऊंट और पांच सौ हासिल की और एक औरत और बच्चों को कैद किया इस वाके पर कबीला जजाम के एक सरदार हजरत जैद बिन रिफाया जजामी रजीला तला झट झटपट मदीना आए वो और उनकी कौम के कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे और जब हजरत दहिया पर डाका पड़ा तो उन्होंने दहिया की मदद भी की थी लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत और कैदी उन्हें वापस कर दिया इसका वाक्य पढ़ते हुए ना बहुत शिद्दत से मुझे जो एक शख्स याद आए वो थे अबू तालिब आप सल्लाम के खैर खा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद किया करते थे लेकिन अपने दोस्तों की वजह से अपने कबाइल के लोगों की वजह से इस्लाम ना ला सके और यहाँ पे इसके दिल में इस्लाम आ चुका था कैसरे रूम के दिल में इस्लाम आ चुका था लेकिन बादशाहत की मोहब्बत गालिब आ गई हारिस बिन अमू शिमर गी के नाम खतान के हाकिम थे कैसर की जानब इस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह पर ईमान लाए और तस्दीक करे मैं तुझे दावा देता हूँ कि अल्लाह वादह शरीक पर ईमान ला तेरे लिए तेरा मुल्क बाकी रहेगा फेंक तो दिया और कहा कौन है जो मुझसे मेरा मुल्क छीने का फिर मुसलमानों से जंग की तैयारी करने लगा और हजरत इबन वहाब ने कहा जो कुछ देख रहे हो इस अपने साहिब को इसकी खबर कर देना और कैसर ने रसुल्ला सल वसलम के साथ जंग की इजाजत चाही मगर कैसर ने इसको इस अज़म से बाज रखा इसके बाद इसने शुजा बिन वहाब वहाजी तला को कपड़े और माल से नवाजा और अच्छाई के साथ वापस किया बिन अली साहेब यमामा के नाम खत नबी सल अलाम ने इनकी तरफ खत लिखा बसमिल्लाम मोहम्मद रसुल्ला की तरफ से हुजा बिन अली की जानब इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा दीन और घोड़ों की रसाई की आखिरी हद तक गालिब आकर रहेगा लिहाजा इस्लाम लाओ सालिम रहोगे और तुम्हारे मातः जो कुछ है इसे तुम्हारे लिए बरकरार रखूंगा ये खत आपने सुलेद बिन उमर आमरी रजील त हाथ भेजा हूजा ने इसकी इज्जत की और इन्हें इनाम से नवाजा हिजर के कपड़े दिए और जवाब में लिखा आप जिस चीज की दावत देते हैं मैं इसकी बेहतरी की बेहतरी और उमदगी का क्या पूछना और मैं अपनी कौम का शायर और खतीब हूँ और अरब में मेरी हैबत बैठी हुई है इसलिए कुछ कार परी मेरे जिम्मे कर दे मैं आपकी पैरवी करूंगा क्या किया इसने इसने नबूत में हिस्सा मांग लिया लालच इसके दिल में आ गई और जिसके दिल में लालच हो उसके दिल में ईमान नहीं आता ये खत रसुल्ला को मिला तो आप सल ने फरमाया अगर वो मुझसे जमीन का एक टुकड़ा भी मांगेगा तो इसे ना दूंगा वो खुद भी तबाह होगा और जो कुछ इसके हाथ में है वो भी तबाह होगा जब रसुल्लम फतेह मक्का से वापस तरीफ लाए तो इसका इंतकाल हो चुका था मुनजीर बिन सावी हाकिम बहरीन के नाम खत इस खत में आप सलेलाह वाले वसल्म ने मुनजीर को इस्लाम की दावत दी और मकतूब आला बिन हजरमी रजी अल्लाह तआला के साथ हाँ भेजा मुनजीर मुसलमान हो गया कुछ अहले बहरीन भी मुसलमान हो गए जबकि कुछ दूसरे अपने दीन यहूदियत और मजूसीियत पर बरकरार रहे मुंजर ने रसुल्ला सलम को इसकी खबर लिखी और इसके बारे में सवाल किया आप सल्हम ने इसे लिखा मुसलमान जिस हाल पर ईमान लाए हैं इन्हें है इस हाल पर छोड़ दो और यहूद और मजूस से जजिया लो और तुम जब तक दुरुस्त राह पर रहोगे हम तुम्हें तुम्हारे उहदे से माजूल ना करेंगे शाहान अमान जैफिर और इसके भाई के नाम खत

ताकि जो जिंदा है इसे के खतरे से आगाह कर दू और काफिरों पर सच्ची बात वाज हो जाए हमारे लिए भी बहुत बड़ा अमल का नुकता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कुफार को कल आने वाले दिन के बारे में आगाह कर दे कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी दुनिया में ही मगन रहे और वो उन तक इस्लाम का और अल्लाह का पैगाम पहुंच ही ना जाए अगर तुम दोनों इस्लाम का इकरार कर लो

से आपकी मुलाकात हुई अब ने पूछा तुम किसकी दावत देते हो अमर बिना जी तला ने कहा हम अल्लाह की तरफ बुलाते हैं जो तन्हा है जिसका कोई शरीक नहीं और हम कहते हैं कि इसके अलावा जिसकी पूजा की जाती है इसे छोड़ दो और ये गवाही दोहम्मद के, के बन्दे और रसूल हैं फिर कदरे गुफ्तु के बाद अपने पूछा आप वाले किस बात का हुक्म देते हैं हजरत अमर जी तला ने कहा आप वसल्लम अल्लाह की अतात का हुक्म देते हैं और नाफरमानी से रोकते हैं नेकी और सुल रहमी का हुक्म देते हैं जुल्म वीति जनाकारी शराब नोशी और पत्थर बुत और सलीब की इबादत से मना करते हैं आपने कहा ये कितनी अच्छी बात है जिसकी तरफ वो बुलाते हैं अगर मेरा भाई भी इस बात पर मेरी पैरवी करता तो हम लोग सवार होकर चल पड़ते यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और उनकी तस्दीक करते लेकिन मेरा भाई अपनी बादशाहत का इससे कहीं ज्यादा हरीस है और उसे छोड़कर किसी का ताब फरमा के इसे छोड़कर किसी का ताब फरमा बन जाए पाओं की बेड़ियां बन गई बादशाहत हजरत अमर रजी तहो ने कहा अगर तुम्हारा भाई इस्लाम कबूल कर ले तो इसकी कौम पर इसकी बरकरार रखेंगे अलबत् इनके मालदारों से सदका लेकर फकीरों में बांटेंगे आपने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है फिर पूछा सदका क्या है हजरत अमर रजी तहो ने तफसी बयान की जब मवेशियों का जिक्र किया तो इसने कहा मैं नहीं समझता कि मेरी कौम इसको मान जाएगी इसे पता चलता है कि इनकी कौम के दिल में माल की मोहब्बत घर की हुई थी फिर अपने हजरत अमर बिन आस को अपने भाई जेफिर के पास पहुंचाया हजरत अमर रजील इसको खत दिया इसने खत पढ़ा फिर अपने भाई के हवाले कर दिया और अमर से पूछा कि कुरैश ने क्या किया हजरत अमर रजील तला ने बताया वो मुसलमान हो गए और ये भी कहा कि अगर वो इस्लाम लाए तो वो सालिम रहेगा वरना शाहवार इसको रोंदेंगे और इसकी हरियाली का सिफाया कर देंगे जैफिर ने कल तक के लिए अपना मामला मौखर कर दिया। कल हुई तो, तो ताकत का किया। लेकिन फिर अपने भाई से तन्हाई में किया। और इसके दूसरे दिन दोनों भाई मुसलमान हो गए और हजरत अमर रजीला तला को सदका वसूल करने के लिए आजाद छोड़ दिया और जिस किसी ने इसकी मुखालफत की वो इसके खिलाफ मददगार साबित हुए अब्द और जैफिर के पास ये खत फते मक्का के बाद भेजा गया जबकि बकिया खतूत हुदैबिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस आने के बाद भेजे गए अमीर बसरा के नाम पर इस खत में नबी ने अमीर बसरा को इस्लाम की दावत दी और ये मकतूब हारिसमेर के हाथों भेजा हजरत हारिस जनूबी उर्दन में इलाके बलका के एक मकाम मूता पहुंचे तो शरहबीर में उमर गसानी ने इन पर हमला किया और इनकी गर्दन मारी कासिदों के सिलसिले में ये सबसे सख्त जालिमाना कदम था इनके सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कासिद कत्ल नहीं हुआ जरा गौर करिएगा और ये पॉइंट लिख दीजिए कि हजरत हारिस जनूबी उर्दन में इलाका बल्का के एक मुकाम मूता पहुंचे तो शरहबील बिन उमर गसानी ने इन पर हमला किया किस पे हमला किया हजरत हारिस पे किसने किया शरहबील बिन अमर वसानी ने ये वाहिद कासिद हैं जिनको कत्ल किया गया कासिदों के सिलसिले में ये सबसे सख्त ऐलिमाना कदम था इसके सिवा नबी सल्लल्लाहु सल वसल्लम का को कोई कासिद कत्ल नहीं किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त गम और गुस्से का इजहार फरमाया और यही गजवाए मोता का सबब है आगे आप पढ़ेंगे गजबाए मोता और उसका सबब क्या था कि कासिद को कत्ल कर दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी तो इल्ला की बिल्ला आज की नशे మే జో హమారా హిస్సా థా అల్లాహ్ కి తౌఫీక్ సే ఉస్కే కరం సే హమ్నే ముకम्मल किया అల్లాహ్ సుభान व तआला హమారే కర్దార్ కో ఐసా కర్దే కి హమ్ dekhనే సే ముస్ల్మాన్ నజర్ aaye హమారా ఉట్నా బెట్నా చల్నా ఫిర్నా ఇత్నా ఖుబూసూర్త్ హో కి హమారే ਦష్మన్ బి హమారే కర్దార్ కి గవాహి దే ఆప్ సల్లల్లాహు అలైహి వ అలిహి వసల్లం సే ముహబ్బత్ కా ఇజహార్ యే హై కి unki sunnaton ko maana jaye unki sunnaton pe amal kiya jaye aur har wo cheez जो हमारे किरदार को दागदार करती है जो इस्लाम के नाम को दागदार करती है हम उसे अपनी जात से खरोज के निकालते अल्लाह सुबहान आप सबसे राजी हो पढ़ाने में जो गलती हुई है उससे माफ़ करे अल्लाह मेरी पकड़ ना करे अल्लाह सुबहान मेरा यहाँ बैठना आना और अमल के मोती चुनना और आप सल्लाम से मोहब्बत और अकीदत को कबूल फरमाए और हम उस दिन जिस दिन हम तड़प रहे होंगे आप सल्लाम से, से मिलने के लिए हौजे कोसर पे उनके हाथ से जाम कोसर पीना नसीब फरमाए अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोगों को होमवर्क सेंड किया जाएगा फ्राइडे तक होमवर्क सबमिट करा दीजिएगा इस दफा क्विज आएगा थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि पिछला क्विज भी नहीं हुआ था तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा